चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है, जिसके पास कोई औधा नहीं है, कोई पावर नहीं है, बगैर पावर का जब इतना बोल सकता है, तो जब जीतने के बाद संसद जाएगा तो कितना उसके जवान में ताकत आ जाएगा, उतना बोल सकता है। नमस्कार, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हैं। गांव में आइए, यहां के लोगों से पता करते हैं, बाजार में पता करते हैं कि लोग किसको वोट देने की सोच रहे हैं। दीदी नमस्कार, तो दो मिनट बात करेंगे। अभी चुनाव आ रहा है, आप लोग किसको वोट देने की सोच रहे हैं? जोर से बोलिए थोड़ा। कन्हैया को। कन्हैया कुमार को वोट देना चाहते हैं। चुनाव आ रहा है, किसको वोट करेंगे आप? कन्हैया सिंह को वोट देंगे। हाँ जी, कन्हैया सिंह को। कन्हैया सिंह को, कन्हैया कुमार मतलब। और मोदी जी तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। अरे मोदी जी को बोलने दीजिए ना। तो किसका, किसके ऊपर मर्जी है? अब जो मर्जी तो है, कन्हैया को हम लोग देने के विचार में, और इतना कर चुका है, मगर हम लोग का कुछ नहीं किया, मगर इस खेपी हम लोग कन्हैया को देने के लिए तैयार। अगर नहीं करेगा फिर तो आगे टिप होगा, फिर अगला टिप नहीं भेजे तो भी हटा दिया जाए। तो पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार दिए थे हम मोदी को। अच्छा, भाजपा को दिए थे, तो इस बार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अंकल जी आपका नाम? मेरा गोरख राम। हम लोग कन्हैया को वोट करेंगे, खुल के करेंगे। क्या दोनों समाज के लोग दे रहे हैं वोट यहाँ पर? सब समाज के लोग दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब चारों इस थीम दे रहे हैं। कन्हैया कुमार को क्यों दे रहे हैं अनिल जी आप वोट? नया युवा है, पढ़ा लिखा है, बोलने चालने में अच्छा है, इसीलिए जो है जो हम वोट उनको देंगे। और आपको यकीन है कि कन्हैया कुमार जो है वो आपकी आवाज़ उठाएगा आगे भी? मुझे पूरा विश्वास है, जिसके पास कोई औधा नहीं है, कोई पावर नहीं है, बगैर पावर का जब इतना बोल सकता है, तो जब जीतने के बाद संसद जाएगा तो कितना उसके जवान में ताकत आ जाएगा, उतना बोल सकता है। यहाँ तो नौजवानों की होर है और बेगूसराय में कन्हैया का शोर है। अच्छा जी, बेगूसराय में क्यों कन्हैया का शोर है? वो तो पहली बार लड़ रहा है यहाँ पर। पहली बार है और पहली बार ही युवा का आवाज़ उठाने वाला कन्हैया है। इसको देशद्रोह बना करके, फर्जी में इसको फंसा करके देशद्रोही साबित आज तक नहीं सरकार कर पाया। इस खिलाफ अभी जो हमारे लड़के इंजीनियर डॉक्टर सब पढ़ रहे हैं, क्या ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि वो चाय बेचेगा, पकौड़ा तलेगा? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार जो रोजगार की गारंटी दिया था, कहाँ है गारंटी? इसकी आवाज़ है कन्हैया, समझे ना, और बेगूसराय का लाल है कन्हैया। आप भी आइए ना, एक सेकंड साथ ही आइए ना। आप लोग अभी चुनाव आने वाला है, बाइक बंद कर दीजिए। चुनाव आने वाला है, आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देने की सोच रहे हैं? कन्हैया। जोर से थोड़ा। कन्हैया को क्यों? कन्हैया को क्यों? सब लोग क्या 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 सोच रहे हैं? बिकॉज़ ही इज द बेस्ट। इज द बेस्ट, क्यों आपको बेस्ट लग रहा है? बिकॉज़ ही इज द ओनली वन इन आवर सोसाइटी हु कैन मेक आवर मतलब जो भी कंडीशन है वो अच्छा कर सके। बेगूसराय की आप लोग कहाँ वोट करने की सोच रहे हैं? हम लोग हंसुआ गेहूं बॉल में देंगे। हंसुआ गेहूं पर? कन्हैया के साथ है मतलब आप भी? तो पिछली बार भी हंसुआ गेहूं पर दिए थे? नहीं। कहाँ दिए थे पिछली बार? पिछली बार दिया तनवीर हसन को। तो इस बार क्यों नहीं तनवीर साहब को? क्यों ना, मेरा दिल है। अच्छा सर, बेगूसराय की हवाओं में ही अभी कन्हैया कुमार है। हर जगह है क्या? जी सर। हाँ जी, कन्हैया बहुत मशहूर हुआ है पिछले एक दो सालों में, खास करके उसके ऊपर तो कई सारे चार्जेस लगे, जेल गया, लेकिन उसके बाद मतलब एक बहुत बड़े एक स्टार की तरह इमर्ज किया। आप लोग क्या मोटिवेटेड फील करते हैं कि जब कन्हैया को टीवी पर देखते, क्या महसूस करते हैं जब कन्हैया को बोलते हैं? बहुत अच्छा फील होता है सर, कि बेगूसराय का कोई है जो हम लोग के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद घूम रहे हैं बेगूसराय में, तो आप देख ही रहे हैं सर किस तरीके से लोगों का सपोर्ट है।